हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। रिवाया, बुरी आदत तोड़ने के लिए अपना दिमाग बदले पुस्तक सारांश हिंदी में। जब आप अंतर्ग्रहण के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं तो आप स्वयं क्रोधित हो जाते हैं। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि आप वो सब बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि हम वो चीजें क्यों बनाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर से लड़ रहे हैं। हमारी बुरी आदतों के लिए यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी आदतें बनाने की, तो आप सीखेंगे कि कैसे मेरा बचपन इसमें एक अहम रोल में है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर फिजियो पा सकते हैं। अंत में आप उस 12 सटीक प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोग अपनी बुरी आदतों को जीतने में मदद करते हैं। क्या आप अपने मस्तिष्क को रिवायर करने के लिए तैयार हैं? दो दिमाग जो एक साथ काम नहीं करते, जैसे कि आप एक और चिप्स का गुटखा है या एक और सिगरेट का टुकड़ा है, तो आपका ध्यान रखे कि यह करना जरूरी है। आप जानते हैं कि आप खुद ही व्यक्तिगत वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं सकते। आप नहीं जानते कि आप सब क्यों कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा न करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए खराब है उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे दो दिमागों से आती है जो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और। असल में हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ और एक ऑटोमेटिक सेल्फ है। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी कीमतें हैं। ऑटोमेटिक स्वयं वह है जहां से हमारा स्वयं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जहां हमारे पूर्वाग्रह और धारणाएं मौजूद हैं, यानी कि वो चीजें जिनमें हमने पहले से ही मन लिया है या उनके लिए एक राय बना ली है। यहां आपको अपनी पुरानी बुरी आदतें भी मिलनी चाहिए, और साथ ही वह फीलिंग भी शामिल है जिसमें आप बाहर नहीं लाना चाहते हैं। दूसरी ओर कॉन्शियस सेल्फ मी के बारे में सावधानी से सलाह के लिए जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखे कि वह जो भी डिसाइड करे हमें किसी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि इस पर बहुत ध्यान देने का काम करना होता है, इसलिए इस एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस किया जा सकता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है तो ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारा बैड डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इसको लेकर चिंतित हो रहा है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आपका ऑटो सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह की दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। विचारधारा से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने ऑटो इनसेट सेल्फ को अच्छी डिसीजन ट्रेन के लिए लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को पोर्ट क्राफ्ट मुश्किल नहीं लगता। बहुत सारे अध्ययन हमें बताते हैं कि एक इंसान का दिमाग कैसे बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने आप को विनाशकारी बिहेवियर को बदलने के तरीके सिखाते हैं, तो आपके दिमाग में सेल्स के बीच नया कनेक्शन बनता है। फिर यह कनेक्शन आपके पुराने कनेक्शन को बदल देता है जो आपको ज्यादातर खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के लिए आपको अपनी नई अच्छी आदतों का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे आप अपनी आदतों की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक बनाना ही आसान होगा। आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी आदतों को रोज और लंबे समय तक अभ्यास में नहीं लाएंगे, तो आप अपनी बुरी आदतों को बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। ऑटो डिस्ट्रक्ट तंत्र, जैसा कि पहले बताया गया है, ऑटोमेकर स्वयं अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुशी, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक खुद हमारे लिए काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशियां देता है, लेकिन बाद में वह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटो सेल्फ हमारे पूर्वाग्रह, धारणा और कुछ गैर नॉलेज की कमी से हमारे काम को प्रभावित करता है। हमारा ऑटोमोटिव सेल्फ हमारे साथ कैसे काम करता है, इस उत्पाद के बारे में जानें। जब आप उनमें से किसी एक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं नहीं अनशियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बच्चों की तरह दिखें और उनके बीच फिट हो। शुरू करने में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन बाद में आपको अभद्रता महसूस हुई क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। ये समझने के लिए कि ऑटोमोटिव सेल्फ की ग्रिप डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतना अजीब क्यों होता है, सबसे पहले हम अपने विचार के तरीकों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम अपनी जिंदगी जीत जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज का कोई मतलब हो। हम बनाए गए हैं ताकि जीवन का पूर्वानुमान हो सके।
अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे कि हम ज्यादातर रॉकर्स को तोड़ते हैं, हम उन्हें एक लाइफ के लिए तोड़ते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। वास्तविकता और दुनिया के बारे में हमारे विचार का उपाय ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपने जीवन में लागू करते हैं, जल्द ही ये परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में शामिल हैं जो हमारे मार्केटिंग के तरीकों का समर्थन करते हैं। इसे भी पढ़े करोड़पति दिमाग का रहस्य हिंदी में करोड़पति दिमाग का राज। हम लोग दूर रहते हैं जो हमारी सोच को चुनौती देते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। अगर कोई भी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करना एक बड़ी बात है, हम उससे दूर रहते हैं। बार बार जाने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे अच्छे हैं। हमारे परिवार वाले और दोस्त हमें बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित हैं। हम उनकी बात में हाँ मिलाते हैं लेकिन उनकी बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी मितव्ययी सोच को ठीक करने का मौका ही नहीं। हम हर उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को देखने की चुनौती देती है। जब हमें अपने आत्म विनाशकारी बिहेवियर के बारे में बात करनी है तो हम आप पर सवार हो जाते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं, बहस करते हैं या फिर विषय गति बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए भी कुछ करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में सावधान रहें, तो एक डायरी अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम अक्सर तथ्यों और घटनाओं को लेकर आपत्ति जताते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार कोई बात लेकर निराश हो तो इसे अपनी डायरी में नोट कर ले। सबसे पहले उस बात को लिखे जो होने की आपको उम्मीद थी, फिर जो असल में उसे लिखा, फिर इस बारे में जो भी आपकी गलत मान्यताएं यानी सोच रहे हो उन्हें नोट कर ले, फिर अपनी गलत सोच से देखी गई स्टाल की सूची। अंत में यह अन्वेषण की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपनी स्कूल रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में क्या हुआ कि आप इसे टालते रहे और इसके परिणाम आपका काम बहुत औसत रहा। आपके बायस पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं। फिर आप ठान लेंगे कि अगली बार जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उसे टालेंगे नहीं और उस समय काम करना शुरू कर देंगे। लाल झंडा लहराते हुए बच्चा बार बार रोकर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचता है। वे अपने माता पिता की अटेंशन चाहते हैं और रोना इसे पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपना मनपसंद चीज पाने का। एडल्ट जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वह मॉल के बीच में रोए या पैर पटकने लगे, लेकिन वे काम करना चाहते हैं। जैसे बुलफिट में प्लेयर रेड बेलेगाल बुल का ध्यान अपनी ओर ले जाता है, वैसे ही एडल्ट लोग भी रेड मैगजीन दिखाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जाहिर है ये सब अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे और रोके। आमतौर पर ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए अटेंशन पाना चाहते हैं, उनका बचपन से ही सही दीक्षा नहीं हो पाती है। उनके माता पिता ने उन्हें आत्मनियंत्रण के बारे में नहीं सिखाया, इसलिए वे ऐसी हरकतें करते हैं। संभवतः उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होगी और उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्हें लगे कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है। क्योंकि उनके बचपन के प्यार, गाइडेंस और निरीक्षण की कमी रही, इसलिए उन्हें उनके दोस्तों के साथ रखा जा सकता है। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिलता। यही गिरावट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में सामने आती है। फिर वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला वास्तुशिल्प वाला कोई काम करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे यह करने से मना करेगा। यही एक अच्छे माता पिता है बाकी, लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है तो वे अक्सर उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते हैं। आत्महत्या करना, खुद को छूना, शराब या बेरोजगारी की लत, ये कुछ बिहेवियर हैं जो लोगों में अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये रेड लेबल वेवर्स अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे प्रमाणित हैं कि शायद ही उन्हें कंप्लीट दिया जाएगा। जब वे बच्चे थे तब उन्हें पहले भी देखा गया था, अब उनमें क्या अंतर हो जाएगा। इसलिए वे खुद को या टुकड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों के सामानों को मैनिप करते हैं। लेकिन इन रेड टैग वेवर्स को कभी भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते हैं कि यह लक्ष्य उन्होंने गलत तरीके से खोजा है।
इन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छे से नियंत्रित करें और अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखें। असल में किसी को भी एक बुरी आदत है, उसे ये दो जरूरी बातें सीखनी चाहिए। जैसे लक्ष्य बनाने से आपकी मसल उभर कर आती है, वैसे ही विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को भी मजबूत किया जा सकता है। ये वो क्षमताएं हैं जो आपको बुरी आदतों से वापस लाती हैं। वो कौन सी बुरी आदत है जो आप चाहते हैं? ये है कुछ काम की टिप्स। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करो, ये पक्का कर ले कि आप इसे 100% लगन के साथ रखेंगे। फिर अपने पुराने हालात को वापस पाने के लिए नामुमकिन बनाएं। अपनी प्रगति के बारे में लोगों को बताएं। यदि आप उनके बारे में बताएंगे तो वे स्वयं आपके बारे में पता लगाएंगे। दूसरा तरीका है ऑनलाइन रिटेलर एक चैरिटी ढूंढना। आप अपने क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर लें और जब भी आप अपनी पुरानी आदतें वापस पाएं, तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आपके कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। अपने गोल तक होटल को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप किसी पॉलिटिशियन या ऐसी जगह पर दान कर सकते हैं जहां पैसा खर्च करने से आपको सख्त पहचान मिलती है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है आपकी इच्छा को अस्वाभाविक बनाना जो आपको ट्रिगर करता है। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर आप शराब पीना पसंद करते हैं तो घर जाए एक रूट में इंजेक्शन वाले बार को अलोट करना। एक और उपाय है बुरी संगति से दूर रहें। बिया पीना के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वह भी तब जब आपके साथ ड्रिंक पीने वाले दोस्त हो। उन्हें याद है कि आप शराब पीना छोड़ रहे हैं और अगर वह इस जजमेंट की कद्र नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनसे दूरी बना ले। ली है उसे उम्मीद है कि सहयोगी रहते हैं कि पुरानी आदतें समय के साथ आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप तैयार हो जाएं कि कितने महीनों की अवधि होनी चाहिए, लेकिन इस बात से कि आप अपनी मोटरसाइकिल ड्रॉप मत दीजिए। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने के लिए देते हैं वह आपको एक बुरी आदत छोड़ देता है और बंद कर देता है। आप लत के आदी हो, जब आपको कोई चीज की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। या तो आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं या फिर एक खास तरीके से बिहेव करने के। बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना और अनसेफ सेक्स करना बुरी आदतों में शामिल है। आप आदी हो गए हैं, यह आपको तब पता चलेगा जब वह आपको किसी दिन कोई चीज नहीं बताएगा। अगर आप उसे बंद कर देते हैं तो आपको नींद नहीं आती, गुस्सा और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि आप जब भी मॉल में अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं। इस तरह आप खुद को स्वीकार कर रहे हैं कि नियंत्रण आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, लोगों को कोई भी चीज या बिहेवियर की आदत ही क्यों होती है? शराब जैसी पुरानी आदतों को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छी फाइल कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं और जब आप नशे में होते हैं तो आपका अच्छा समय निकल जाता है। जब शराब आपके शरीर से निकल जाती है तो आप चिड़चिड़े और बोर हो जाते हैं, इसलिए आप अच्छा करने के लिए शराब पीना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर आपके मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय किया जाता है जो हमें मजा और खुशी देता है। जब ये सक्रिय होता है तो डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री एडिक्ट के पास से क्यों निकाला जाता है, उसे मत छोड़ो। कंपनी लंबे समय तक एक मानवीय राक्षसी युग का काम करती है, उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर को नुकसान ही होता है। यदि यह डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब है अच्छा फीलिंग करना और आपको भारी मात्रा में डोज देना होगा। इसी दौरान आपके शरीर के दूसरे कण जैसे आपके कण भी खराब होने लगते हैं। आपके अपने परिवार और दोस्तों के साथ अन्यत्र भी समाप्त हो गए हैं। अपने नशे की लत के सिवा अब आप किसी और चीज की परवाह न करें। तो आप नशे की लत से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ऑथर का कहना है कि सबसे पहले आप अपने साथ ऑनेस्ट होने की सलाह देते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के समूह में शामिल होना एक बड़ी सहयोगी हो सकती है जो खुद से लड़ रहे हैं। ये याद है कि आप अपनी जिंदगी फिर से बना रहे हैं। ऑथर को 12 सटेक प्रोग्राम की प्रेरणा क्रेसिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आपको इस कार्यक्रम के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप अपना जीवन बदल सके। ये आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन ये 12 सटेक प्रोग्राम आपको हर तरह से मदद करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले ये पक्का कर ले कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान हो, जैसे कोई थेरेपिस्ट या दोस्त जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए आपसे वह सब कराओगे जो आप नहीं चाहते। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करें,
नशे से जीतना बहुत मुश्किल और तकलीफदेह होगा, लेकिन ये जान ले कि अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आप स्वीकार करना चाहते हैं कि आप आदी हैं। इस भ्रम को तोड़ना आपके नियंत्रण में है और कभी भी इसे छोड़ा जा सकता है। अगर आप बार बार खुद को यही विश्वास दिलाएंगे तो कभी आप भी असल में उसे नहीं छोड़ेंगे। इसे एक एक दिन के खाते से करें, दोगुना करें और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहते हैं, आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। यह मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस समय के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना नहीं रहेंगे। कड़वे ही लुबेना क्यों ना लगे, इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये चुभेगी। इस बारे में नामांकित रहे कि अगर आप अपने पुराने तौर पर दीक्षांत समारोह पर वापस जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। अपने मॉल्स पर स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम कराए हैं। हाँ, यह आपकी लत का कारण है, लेकिन यह एक लत नहीं है। ठान ले कि अब से आप ऑनलाइन रहेंगे, उन लोगों से माफी मांगे और जिनमें आप किसी भी तरह से नुकसान से बच सकते हैं। ये फोर्थ स्टेप से संबंधित है, यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना चाहता है। बदले में उनके साथ अपना समय साझा करें। एक दिन के लिए किसी बुरे इंसान का दोस्त बने या स्थानीय समुद्र तट की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा लगेगा। इस दुनिया में विशिष्टता भी स्थापत्य। माइंड एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने क्लाइंट और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुलनेस के बारे में सोचते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने दोषों में सुधार कर सकते हैं। बार बार उस सोच को दोहराए कि यू कैन फाइंड इट एंटिल यू मेक इट। अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और मशहूर ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप ब्लॉग्स अटेंड करते रहें, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहें और अपने इस फ्लो को बनाते रहें। जैसे आप इसे बार बार कहते हैं, यह आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरी बार आप कहेंगे कि आप पहले नशे की लत में थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमेशा स्वस्थ रहें, कभी भी आप इन पर भरोसा न करें। अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वह होता है जहां आप अपनी सीट के दौरान सब कुछ बताएंगे। वे आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे सच भी हैं, वो आपको कितना ही बुरा क्यों ना हो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें। हर दिन के अपने अनुभव को लिखें या फिर अपना वीडियो बनाएं। अपनी फाइलिंग को एक्सप्रेस करें, बताएं कि आपको ये अच्छा दिन कितना लग रहा है या क्रेविंग की मात्रा कितनी हो सकती है। अपने शॉर्ट टर्मा गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्मा गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज लिटिल लिटिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने लार्ज टर्म गोल पर नजर रखना भी जरूरी है। हर दिन जब आप खुद को डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर वापस जाने से अलग हो जाते हैं तो यह आपके मस्तिष्क के लिए एक मौका होता है खुद को रिवायर करने का। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को इस तरह ढीला करें कि वह किसी तरह का पागलपन करे, वस्तु या अवशेष बिहेवियर पर निर्भर नहीं होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपकी लत से दूर जाना आसान हो जाएगा। अंत में अभ्यास करते रहो, बार बार डबलना सबसे जरूरी है। बुरी आदतें आपके दिमाग में कनेक्शन बना देती हैं। हर रोज अच्छी आदतें अपनाएं और उन्हें बार बार बताएं ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बने। निष्कर्ष आपके ये सिद्धांत कि आप वो चीजें क्यों बनाते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और कैसे आपके दो दिमाग जिम्मेदार हैं जो जिनमें लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वह मन है जो आपके लिए सावधानी से निंदा करता है। यह आपकी बहुत सारी डिसीजन पर काम करना होता है, इसलिए ये धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमोटिव सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले जाता है। ये तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी सुरक्षा नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप उन नीवे को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने ऑटोमोटिव सेल्फ को अच्छी कलाकृतियां बनाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है ब्रेन को रिवायर करना। आपकी पाठ्य पुस्तकें स्वयं बिना सोचे काम करती हैं क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, आपको खुशी, आत्मविश्वास और कंफर्टेबल बनाए रखना। ये ठीक नहीं है कि आपको इन तरीकों से खुश करना गलत और आत्म विनाशकारी है। आपकी इन पाठ्य पुस्तकों की इनसाइट विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी आदतें सीखने में मदद मिलती है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी आदतें बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन खुद से प्रोमिस करें कि आप बदल जाएंगे।
12 सटेक प्रोग्राम की मदद से आप छोटे छोटे सटेक लेकर अपनी इच्छा और तालाब को रोक सकते हैं। खुद को उद्योगों के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी आदतों की जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहरी जगहें बनी हुई है, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अच्छी आदतों की रोजाना प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं और अपने दिमाग को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षसों को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इससे बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एक एक दिन करके आगे बढ़े। अंत में बुरी आदतें, रचनात्मक व्यवहार और लत आपके अतीत का हिस्सा पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, आपको इस किताब की समरी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके बताएं। अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएंगे। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।